ये सर रूपा जी, बात करें अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि 6,000 के ऊपर ट्रेड दर्ज किया जा रहा है और 2.5% की तेजी है। रूपा जी देख रहे हैं कि सरकार की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने के बावजूद भी सोयाबीन की जो कीमतें हैं अब उनमें वायदा के अंदर उछाल आता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन एक बार फिर से यहाँ से तेजी की ओर जाती हुई नजर आ सकती है? देखिए, काफी वोलेटैलिटी वोलेटैलिटी इस कमोडिटी में देखने को मिली है। काफी वोलेटाइल है इसका मार्केट, और जिस तरीके से अपडेट निकल कर आया और उसके बाद जो करेक्शन आई और कीमतें जबरदस्त नीचे गई, और हमने 5800 के आसपास 5600 तक भी इनको एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लुढ़क जाएंगी, और अब देखिए वापिस से यहाँ से फिर से बाउंस बैक आ गया है। ट्रेडर्स एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं कि इसमें ह्यूज बाइंग जो है वो देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहें कि निचले स्तरों पर उन्होंने एक बार फिर से खरीदारी की है ताकि ऊपरी स्तरों पर माल को निकाला जा सके। तो ये हो सकता है मार्केट के अंदर इस तरीके का, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया तो मुझे लगता है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट बना रह सकता है। लेकिन आज 3% की एक अच्छी तेजी हम वायदा में देख रहे हैं, तो डोमेस्टिक में भी इसका सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा सपोर्ट मार्केट के अंदर। लेकिन अभी फिलहाल यहां से जो रेंज बन सकती है वो 6200 तक मैक्सिमम एक बार अपसाइड की बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी,